How was the vodka party at night? Very good. आपने पहली बार सिगरेट कब पी थी? भाई यहाँ काफी गर्मी आ गई यार, पसीने चलने लगे यार पसीने। So guys, good morning first और welcome to Republic of Dagestan। मैं ऑलरेडी दागिस्तान रिपब्लिक में आ चुका हूँ। तो मेरी इतनी लंबी ट्रेन जर्नी, ऑलमोस्ट 6.5 दिनों की ट्रेन जर्नी यहाँ पर समाप्त होती है। मेरा स्टेशन सरा तो बस आने ही वाला है। मैं रेडी हो चुका हूँ, काफ़ी जबरे उठ गया था, 4 बजे के आसपास उठ गया था। हालांकि कल रात को कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ पे पार्टी वगैरह चल रहा था। अन्या, सो हाउ वाज द वोडका? रात का वोडका का असर कैसा रहा? गुटका पूछ रहा है यार, सॉरी। नियत। How was the vodka party at night? Very good. Do you like it? Это Russian from tradition. Russian tradition, да? Да, yes. Lot of vodka in the train. भाई साहब काफी वोडका इसने पिया था यार, मुझे लगा था ये मर जाएगी, लेकिन पावर था भाई, पावर था बंदे में। मुझसे उतना पिया जाता तो पता नहीं मैं मेरे मतलब अगले 4-5 खानदान मर जाते उतने वोडका में। बट मैंने नहीं पिया, मैंने चना की दिखाई क्योंकि मुझे सवेरे ट्रेन लेनी थी। अच्छे जन्म लेते हैं तो हम उन लोगों को दूध पिलाते हैं। परंतु जब रूस में बच्चे जन्म लेते हैं तो आप उनको वोडका पिलाते हैं। वोडका Водка. Да? Ну, у нас водка кормит, чтобы за Единую Россию голосовали. Понял? Ха-ха-ха. ये कह रहे हाँ, वोडका शुरू से ही पीते हैं हम लोग। आपने जिंदगी में पहली बार कब पी थी? Пи. Пирс. Пи. А, вот это? Да, 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 водка. А, вот. और बियर? नहीं, पीवो बोला है। पीवो स्कूल का। 15 साल की उम्र में बियर, 17 साल की उम्र में बोट का। रिंटोम किसी चीज़? दुआ सिनेमाइट। दुआ सिनेमाइट। कंप्रमाट। काफी अच्छा लग रहा रूस के बारे में जानने में। आपने पहली बार सिगरेट कब पी थी? दुआ आदिन दुआ हिंदी आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे ये ठीक है मुझे लगता है। धन्यवाद। नॉर्मल बोला, नॉर्मल उतना अच्छा भी नहीं बोला यार, नॉर्मल बोला। अच्छा है यार, हमारा देश सबसे अच्छा है क्या? हिंदी चाय। Do you like इंडिस की चाय? लिब्लू दा? Спасибо, счастливо. You go? На какой? सवा 9 बज रहा है सुबह का, मैं पहुंच चुका हूं सरातोव। ऐसा फील हो रहा है कि शाम के 3-4 बज गए हैं, बट सब कुछ नॉर्मल सा है। आपको कुछ बताना चाह रहा था कि मेरी ट्रेन अगली है 5 घंटे के बाद, और ये जो मेरे साथ हैं यूलिया ये बता रही थी कि अगर आपको रेस्ट वगैरह करना है तो मेरे घर पे जाके कर सकते हो 3-4 घंटे के लिए।
मैंने कहा नहीं यार, 5 घंटे हैं, उतने भी ज़्यादा टाइम नहीं है, घर कितना दूर है वो भी मुझे नहीं पता, तो टाइम पहले जाने में लग जाएगा फिर वापस से आने में लगेगा टाइम, तो कहीं ना कहीं स्टेशन पर ही रात समय गुजार लेता हूँ। उनका घर थोड़ा दूर था तो उन्होंने कहा कि कितने घंटे के बाद आपकी ट्रेन है, तो मैंने बोला कि ऑलमोस्ट 6 घंटे के बाद है, तो उन्होंने कहा कि आपको जाने में लग जाएंगे एक घंटे आने में, आधे घंटे पहले आप आओगे, 2.5 घंटे चले गए आप कैसे, 3.5 घंटे बैठोगे आप थक वगैरह जाओगे, इससे अच्छा है किसी कैफ़े में जाके बैठ वगैरह के आप यूट्यूब के मैं वीडियो एडिट करना चाह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से वीडियो आई नहीं है, आज तारीख है ऑलमोस्ट 16 फरवरी और पिछले 1 महीनों से मेरी वीडियो नहीं आई यार, कोई बात नहीं लेट होता है, बट मैं लगातार ट्रैवल कर रहा था और आप समझोगे इस बात को, लेकिन यूलिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की, और उन्होंने जो मुझे ऑफ़र किया कि अपने घर पे आके आराम कर लो, बट ठीक है यार लोग इतने अच्छे हैं क्या बताऊँ। किसी कैफ़े में आ गया हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पी रहा था, मीनू वगैरह देख रहा था, काफ़ी अच्छा लगा, सोच रहा हूँ मैं अपना बैग यहाँ पे छोड़ दूँ और शहर का चक्कर लगा लूँ, सेम ये मैंने प्लान बनाया है। उन्होंने तो बैग रखने से मना कर दिया, तो मैं बिना बैग लेके जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि आप जब तक ट्रेन आए तब तक आप यहाँ पे बैठ सकते हो, बट आप बैग रख के बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैग लेके बाहर जाता हूँ, अभी मेरे ट्रेन में 2.5 घंटे का समय है, देखता हूँ क्या रहता है बाहर जाके एक बार, क्योंकि मुझे बाल वगैरह कटवाने हैं यार, बड़ा अलग सा लग रहा है, इतना बड़ा बाल हो गया है, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 दिनों का समय है, 2 दिनों के बाद तो मैं इस समय बाकू में हूँ, अज़रबैजान में हूँ, जहाँ पे अच्छी लंबी रेस्ट लेने वाला हूँ मैं, तो वहाँ पे आराम से कर सकता हूँ, बट चलो देखता हूँ कुछ 2 घंटे में कुछ कर लूँ। ये सब कपड़े भी मुझे हटाने हैं, ये जैकेट वगैरह है कुछ, ये सब जो पैकेट वगैरह सब कुछ हटाना है, तो काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। थैंक यू स्पासिबा बोल सर। भाई यहाँ काफ़ी गर्मी आ गई यार, पसीने चलने लगे यार पसीने, और भाई साहब ने देखो दरवाज़ा खोल दिया है, वो वाला खिड़की खुल गया है वो, और मैं खाना खा रहा हूँ चिकन, मस्त लग रहा है खाने में, बहुत दिनों के बाद ठीक ठाक खाना खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ आज। तो हमारी ट्रेन ने वापस से कजाकिस्तान में एंट्री ली है, ये पता नहीं ये कजाकिस्तान जो रशिया का जो रूट है ये सोवियत टाइम में बना हुआ था, तो ये जो रूट यूज़ कर रहा है अभी वही वाला यूज़ कर रहा है, इसलिए हम लोग ने वापस से कजाकिस्तान में आया हूँ, लेकिन इस बार कजाकिस्तान में स्टॉप नहीं है, तो रशिया के लोग रशिया में ही जाएंगे, तो इमिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, हालांकि हम लोग 2 बार कजाकिस्तान के अंदर जाएंगे, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरा जो इंटरनेट है वो रोमिंग में चला जाएगा, और आप इस बात का ध्यान रखें अगर आपके पास रशिया का सिम कार्ड है, अगर आप ये रूट ले रहे हो कभी, तो कि आप अपना इंटरनेट ज़रूर ऑफ कर लो, बिकॉज गलती से अगर ऑन रह गया ना तो पैसा चले जाएगा -500 रुपये के आसपास, -500 रुपये के आसपास चला जाएगा, तो आप ध्यान रखें अगर कजाकिस्तान आने से पहले आप अपना डाटा बंद कर दें, और जब वापस से रशिया पहुंच जाए रोमिंग नहीं लिखाए तब डाटा ऑन करें, ठीक है, ये तो हो गई बात। अब बाकी ये ट्रेन बिल्कुल नॉर्मल सी है, कोई खासा ट्रेन नहीं है, सीट बिल्कुल सेम है, और मैंने आपको कई बार बताया कि सीट 2 सस्ती होती है रशियन रेलवे पे, एक तो ये हो गई ये वाली सीट्स, और मेरी सीट है ये वाली, तो ये वाली और ये वाली सीट काफ़ी सस्ती होती है, बाकी दादा ये वाली सीट काफ़ी सस्ती होती है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी सीट काफ़ी महंगी होती है, तो मैंने सस्ती वाली सीट चूज की थी, इसके लिए मैंने पे किया था अराउंड 1400 रुपये, 1400 रूबल, 24 घंटे का सफ़र है, उतना ख़राब ही नहीं था, ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर के आसपास जा रहे हैं हम लोग, तो ये ट्रेन लिए मैंने सरातोप से लेके मखा चकला के लिए, और कल मैं 12 बजे दोपहर के आसपास मखा चकला पहुँच जाऊँगा,
जो माखा चकला का जो टाइम है वो मॉस्को का टाइम है, मतलब UTC+3, और हम लोग अभी हैं UTC+4 में, तो एक घंटे का समय और कटेगा। पिछले कुछ दिनों पहले मैं UTC+11 में हुआ करता था, UTC+11, अब UTC+4 में आ गया हूँ, और ऑल बाय लैंड काफ़ी, मतलब रोज एक घंटा छोड़ना, रोज एक घंटा इस तरह जा रहा था मेरा। चलो अब UTC+, अभी ऐसे शाम के 5 बज रहे हैं, सच कहूँ यार थोड़ी नींद आ रही है, क्योंकि मैं अभी UTC 11 के टाइम जोन से उतनी तरह से नहीं हट पाया हूँ। मैंने हमेशा ट्रेन पे था तो मैंने टाइम जोन अपना बना लिया, मैं UTC 11 यूज करता रहा, अब मुझे टाइम जोन अपना चेंज करना पड़ेगा जब मैं अज़रबैजान वगैरह जाऊँ। फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो दागिस्तान से हैं, तो एक झलक सी मिल रही है दागिस्तान की। बाकी आपसे मिलता हूँ एक बार दागिस्तान पहुँच जाऊँ तो, और अच्छी तरह से जानेंगे दागिस्तान को, हालांकि सिर्फ मेरा एक दिनों का सफ़र है, बट एक दिनों में कुछ ना कुछ तो जान ही लेंगे यार दागिस्तान के बारे में। सो गाइस गुड मॉर्निंग फर्स्ट, और वेलकम टू रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। मैं ऑलरेडी दागिस्तान रिपब्लिक में आ चुका हूँ, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 बजने के आसपास ये ट्रेन खुलेगी, और फिर 3 घंटे के बाद हम लोग उसकी कैपिटल माखा चकला में होंगे जो भी है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे काफ़ी मैंने पढ़ा भी था कि यहाँ के बारे में ऑलमोस्ट 90% लोग यहाँ पे मुस्लिम हैं, जो कि रसिया के किसी वाले पार्ट में नहीं है, और पुलिस वगैरह काफ़ी यहाँ पर मैंने देखा। और सबसे जो अच्छी बात मैं बताऊँ, मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी जब मैं ओस बिस्केक में था, और बिस्केक में तापमान नवंबर के आसपास, बिस्केक का तापमान -10 चला गया था, और नवंबर के आसपास मैंने बिस्केक को छोड़ा था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और हाफ फरवरी, पिछले 4 महीनों में सिर्फ मैंने बर्फ ही बर्फ देखा है, और तापमान मैंने -55 तक गया हूँ, -56 तक मैं मिनिमम गया तापमान। आज यहाँ का तापमान अभी फ़िलहाल 8°C है, तो पहली बार मैंने +डिग्री को छुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस से प्लस में आने में। दस्ताने की ज़रूरत नहीं है, मुंह से वो वाला जो फील नहीं आ रही है, नाक नहीं जल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है 8 डिग्री के बाद आने पर। हालांकि मैं स्नो को काफ़ी मिस कर रहा हूँ वापस से, कितना अच्छा लगता था जब पूरा माहौल स्नो ही स्नो रहता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ग्रीनरी है, आप देख लो ये कैसा है। हालांकि ये पाइप्स यहाँ भी है, मतलब ये गर्म वाली पाइप है, इसका मतलब यहाँ भी ठंड होती है। ये हमारी ट्रेन है, मैं माखा चकला मॉस्कोवा नाम की ट्रेन है ये, और काफ़ी अच्छे लोग मिले मुझे ट्रेन पे। जितने भी लोग हैं वो माखा चकला जाने वाले हैं, सीधी सी बात है, ये नॉर्मल लोग हैं, रशियन बिल्कुल नहीं है, लोग अलग से दिखते हैं, थोड़े इंडियन टाइप के दिखते हैं, बट टोटली नहीं कहूँगा, थोड़े से ज़्यादा गोरे होते हैं वो। या और एक बात और मैंने सुना था कि माखा चकला है तो रशिया का ही पार्ट, लेकिन कंट्रोल ज़्यादा रशियन गवर्नमेंट का है नहीं यहाँ पर, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उनका ज़्यादा कंट्रोल है। हालांकि जब मैं माखा चकला पहुँचूँगा तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी मेरे होस्ट से, वो मुझे पिकअप करने के लिए आ रही है ट्रेन स्टेशन पे, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वही होगा। चलो कुछ खाना पीना खा लेते हैं यार, देखते हैं कुछ सस्ता सा मिल जाए यहाँ पे। हालांकि मेरे पास आधा चिकन पड़ा हुआ है, तो मैं जाके चिकन खाऊंगा और चाय वगैरह बनाऊंगा। अलग सा है यार पूरा माहौल, पूरा चेंज हो गया टाइम जोन चेंज हो गया। पता है मैंने सुबह कितने बजे सो के उठा हूँ? 2:30 बजे सो के उठा हूँ मैं, 2:30 बजे। और पता है कितने बजे सोया था? 8 बजे सोया था। क्या बताऊँ यार, टाइम जोन ने मेरा मतलब हालत ख़राब कर रखा है। कुछ दिन टाइम लगेगा वापस से इस टाइम जोन में आने के लिए, अब मैं लगातार टाइम जोन नहीं चेंज कर, यहाँ के बाद मैं जा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली अज़रबैजान जाऊँगा, कन्फर्म है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अज़रबैजान का ही वीज़ा है। अज़रबैजान के बाद ग्रूजिया जॉर्जिया, और जॉर्जिया के बाद आर्मेनिया के बाद ईरान, ये मेरा प्लान है। बाकी देखो कुछ चेंज होता है तो बताता हूँ आपको। ईरान के बाद देखता हूँ कहाँ जाना है, नहीं जाना है, मेरा तुर्कमेनिस्तान जाने का भी प्लान है, अफगानिस्तान का भी प्लान है ईरान के बाद। चलो देखता हूँ, बताऊँ, अपडेट करता हूँ, अभी कुछ नहीं पता। हालांकि मैंने सुना था यहाँ पे काफ़ी नारंगी सस्ते होते हैं, देखता हूँ कितने सस्ते हैं नहीं है, हालांकि मेरे पास कुछ पैसे बचे नहीं है, फिर भी देखता हूँ। हाय इधर स्विच, ऑरेंज मंडरिन द स्कूल 100 रुपए किलोग्राम कार्ता Нет. Кайс. Деньги переводом. Окей, хап. Через телефон перевод. Хап. Хап килограмм. 100 рублей килограмм. Два. 2 килограмма. Нет, 2 килограмма. Два. Две штуки? Да. Сметана есть? Сметана? Да, сколько-то осталось.
А есть такие батарейки в продажу? Нет. Да, да, да. Сколько? यार यहाँ पर क्या हुआ ना बताता हूँ कि मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं है यार, रसीन रूबल ख़त्म हो गए, कुछ बैग वगैरह में पड़े होंगे, खोजना पड़ेगा। एक 200 का नोट होगा मेरे पास, लेकिन मेरे पास में नहीं थे, तो मैंने कहा कार्ड ले लो, तो कार्ड नहीं ले रहे थे। हालांकि मेरे पास सबेर बैंक का अकाउंट मैंने खुलवा लिया है, तो मैं अकाउंट के थ्रू भेज सकता हूँ डायरेक्टली। तो वो एक आंटी आई, बोली यार कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं आपके लिए पैसे पे कर देता हूँ। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, मेरे पास मैं बैंक से पे कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास रसीन बैंक अकाउंट अब है, तो मैं रशिया में आराम से अब सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि अब बैंक अकाउंट हर जगह एक्सेप्टेड होता है, लेकिन इस वाले पार्ट में ना कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं। एक बात और चल रही थी, मैं सोच रहा हूँ अपने कपड़े का क्या करूँ, तो इन लोगों से पूछा कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो बताओ आप, मैं उनको कपड़े दे दूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा ले लो मेरे सारे कपड़े, मैं अपने जैकेट वगैरह सब कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे बेचना नहीं चाहता यार, मुझे इसको बेचने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे लोगों ने ये चीज़ें गिफ्ट की थी और मैं उसके पैसे लूँ गिफ्ट चीज़ों के, वो सही नहीं रहता। और मुझे इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इंडिया लेके नहीं जाऊंगा इसे, क्योंकि इंडिया भी जा नहीं रहा। और उसके अलावा कहाँ ढूँढूँ यार, काफ़ी भारी कपड़े हैं। ये जो जैकेट है -40 के लिए सफिशियंट है, ओनली सिर्फ जैकेट, और कहाँ तक ढूँढूँ उसे मैं, ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो मेरी इतनी लंबी ट्रेन जर्नी, ऑलमोस्ट 6.5 दिनों की ट्रेन जर्नी यहाँ पर समाप्त होती है।